बोलिए महाराज, ये कंचरियों को हमारे खजाने से इनके लिए 500-500 रुपए और एक एक बनारसी साड़ी देकर इन्हें दरबार से रुख्सत दिया जाए। दरबारी हरिराम जी, मंत्री जी, महाराज के आज्ञा का पालन किया जाए। जी महाराज, कंचनियों को 500-500 रुपए एक एक बनारसी साड़ी देकर इनको विदा किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा मंत्री जी। कचरियो आइए हमारे साथ, बारी बारी से आइए, महाराज को आजाद करते आइए और अपना पुरस्कार, अपना इनाम लेकर और अपने भवन के लिए रुखसत हो जाइए। आइए
चौबे जी मंत्री जी, इसी तरीके आदाब किया जाता है। मैंने कहा एक चक्कर आपको मैंने आदाब किया और ये जो आई हुई जनता है एक चक्कर इनको भी मैंने आदाब कर दिया। चला। और हमारे सेना के सेना पति अपने सेना का हाल कह डालो, क्या तुम्हारे सेना की सुनो बोलो। अरे सेना पति बतलाइए ये सेना का हाल, सेना पति बतलाइए क्या सेना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज बोलो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कहो क्या कहना चाहते हो? यही पर है। देखो मेरी उम्र अब कुमार हो गई है। ओ समझ गया, यानी तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई फिर। हाँ, इसलिए मैं यानी इस्तीफा देना चाहता हूँ। क्या बात करते हो सेनापति? हाँ, हेलो। लेकिन हाँ, ये आ गए राजेंद्र मिस्त्री। राजेंद्र मिस्त्री साहब एक ग्राम सभा दलवा के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 21 रुपए इनाम आ रहा। हमारी पार्टी इनको शुक्रिया अदा करती है। ठीक है, लेकिन महाराज तुम हमारे सेनानायक, हमारे दरबार के बहुत ईमानदार, बहुत एक नेक इंसान हो। वाकई में तुम्हारी बहुत व्यवस्था और अवस्था तुम्हारी बहुत ज्यादा हो गई है महाराज। तो आप यानी छुट्टी लेना चाहते हैं कि या एकदम नौकरी से जाना चाहते हैं? यानी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। वाह, बड़े। लेकिन महाराज जब आपको कोई आवश्यकता पड़े, कोई दुश्मन आप पे चढ़ाई करे, तो फौरन मुझे याद करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वाह मेरे शेरों के शेर, शाबाश शाबाश। चाहिए आइए पधारिए। और हमारे दरबार के मंत्रीवर, राज का तुम्हारा कैसा काम है, क्या हाल है, क्या समाचार है, तुम भी कुछ कह डालो महाराज। कहो, आप अपने राज का हाल पूछना चाहते हैं? हाँ सुनो मेरी बात, बोलो। अरे जो मैं कहता आप से, अरे जो मैं कहता आप से, सुनो जरा फिलहाल।
जो सेनापति बैठा है ये तारीफ कर रहा है और कि सारी सेना बॉर्डर पे लगवा दिया हूं। आपके कंचनपुर रियासत का आपका दुश्मन कंचन सिंह आपके दरबार में चढ़ाई करने वाला है। क्या कहा मंत्री जी? और ये तारीफ कर रहा है सेनापति। तू झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहा है। और ये कहता है कि सारी सेना बॉर्डर पे लगवा दिया है। सारी सेना बॉर्डर पे लगी हुई है लेकिन ठीक है। ये बहुत मक्कार सेनापति मंत्री है। ठीक है आपकी हम बात मानते हैं सेनापति, और आप छुट्टी मांग रहे तो जा सकते हैं। हेलो हेलो हाँ ये आ गए महाराज। कब खौफ नहीं है अजी मौत की चाहे गर्दन हो तो जसवंत नगर है आपके। आप यहां के महाराज जसवंत सिंह हैं और आपका दुश्मन कंचनपुर का कंचन सिंह आपके यहां चढ़ाई करने वाला है। क्या बात करते हैं? सेनापत कह रहा है कहीं कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूं तू क्यों परेशान होता है? तुझे कौन सी परेशानी मेरे रहते हुए? मैं सही कहता हूँ तू झूठ बोलता है। मैं कहता हूँ तू झूठ बोलता है। तू झूठ बोलता है। आपस में न लड़ो यार। ठहरो। कहे लड़ो सेनापत और मंत्रीवर तुम दोनों अपनी जगह सही हो। तुम सेनापत तुम जा सकते हो। तुम्हारी छुट्टी है और तुम तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि जसवंत नगर में मेरे लड़का एक है जिसका नाम जयसिंह है। और जब वो लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी खत्म हो गई। जब बीवी हमारी खत्म हो गई सबके कहने सुनने पर मैंने फिर दूसरी बीवी लाया। महारानी सी आई है जिसका नाम सत्यवंशी और उनसे भी एक बेटी है जिसका नाम रंजना है। आपको ये मालूम चाहिए मंत्रीवर। जाओ और यहां से तुम अपने राज का कारोबार देखो। आज का दरबार यहीं से खत्म किया जाता है। जाओ जैसी आज्ञा हो महाराज। हेलो हाँ ये आ गए हमारे शाह भाई नौटंकी मालिक ग्राम एराया के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 11 रुपए इनाम दे रहे हमारी पार्टी उनको शुक्रिया अदा करती है। हेलो आप हैं श्रीमान मोहम्मद इसहाक भाई। मोहम्मद इसहाक भाई चौकी चौराहा आ रहा है नौटंकी मालिक जिसके मैनेजर हमारे सलीम भाई पैगंबरपुर। ये उनकी ओर से 11 रुपए हमारे श्री कमेडियन को और 11 रुपए हमें स्पेशल पार्टी। शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार।
कहे भैया देखो जब सेनापति आए कहती मंत्री दुर्जन सिंह मां इतना तनी तना हो गए कि यार मौसा सेनापति चटक तो ना का बिल्कुल। अरे सर आप सेलमा मरे जाते हो। यह सब तो ठीक है सेनापति ठीक है कड़ीगा लेकिन यह सर चौ चौर उठाएगी यह जो सर भौरा यही की सारे की यह नियत के फटहा है यार। अरे चलो छोड़ो हमका का करे का यार अपने ड्यूटी से मतलब है लेकिन सार आपस में मरे जाते हैं कोई हिसाब है कि ऐसा लागत है यही को तो या सार का तो एक एक 10 रुपया नहीं चूरता ही। अरे यार आई तो यह सार उठाएगी का बताई लहाई तो लाएगा सार चलागा होई कौनो बात नहीं। हाँ बोलो दरबारी हरिराम बोलो मेरी महारानी मंत्री है अपनी अपनी ड्यूटी पे रहो किसी की भलाई बुराई के चक्कर में मत पड़ो ठीक है। हेलो हेलो हाँ साहब ये आ गए सोहन लाल गौरी और मैं जा रहा हूँ बैंड मास्टर उनकी तरफ से 11 रुपए पार्टी से धन्यवाद। कहे भैया यार यह सारे इतना हरामी है साला उतर तोरे तो हचकिन ही सी लेकिन हम हो कहीं छोड़ लेकिन यार भैया जब तोरे मारिस तो हमको बहु नीक लाग। अरे यार मैं तोर मुआ दिया खत रहे हो मैं आके वही कदा ही मारते हो यार जब तोरे मारिस तो मही का बड़ा नीक लाग कभी जब तोरे मारिस तो ही का जाओ उन्हें लाल पियर दिखा लाग यार भैया जब तुमका वारिस तो हमका बड़ा नीक लाग। हेलो जब हमका वारिस हाँ साहब ये आ गए हमारे देश राज ढोलक मास्टर इसी गौरी के रहने वाले हैं ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से शुक्रिया जा। भैया जब तुमका वारिस तो बड़ा नीक लाग जब हमका वारिस तो हम लाला हंसकी बकरी पटुर गए। अच्छा हाँ यार आखिर तीन भिन्न हो गई। हाँ आप लोग रास्ता छोड़ दे अपन अपन पंचायत अलग रखो ये पर से भाई। हाँ ये आ गए हमारे इशाद भाई नौटंकी वाले के अलावा कोई भी आदमी है मंच पर नौटंकी मालिक एक ग्राम एराया के रहने वाले हैं। हाँ उन्हीं के मैनेजर हमारे शरीफ भाई साहब एक ग्राम पैगम्बरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा इनकी तरफ से 11 रुपए इनाम आ रहा हमारी पार्टी इनको शुक्रिया अदा करती है। हेलो 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 हाँ भैया कमेटी वाले कहाँ है राकेश कोटेदार। अरे पतली कमरिया पानी है गोलगप्पा पतली कमरिया वाली है गोल गप्पा मोरे मौसी का राखे तोर बाप्पा। हाँ यार भैया ये डीवीडी में आए। अबे महू आज जाओ ने जब अपने गांव से चले हो तो एक ठाई गाना इतना बढ़िया लाग रहा डीजे में कि पूछना। ए सुना यार तो का 10-20 रुपया दाई तो, अरे हेलो आप है सूरजपाल सूरजपाल बैंड मालिक उर्मा ये उनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार है बाल्टी धन्यवाद। अरे हम बाप है तुम्हारे कबे साले हमार बाप पता नहीं कहाँ भटकत हो कहाँ घर में कई छापे हो तो अबे अबे डीजे में आ सुने हमें गाना कहाँ
अरे बक हम महिकया कहत के मत बे, अरे हम बाप है तुम्हारे, तुम औलाद हो हमारे, हमसे दया करो। ए भैया आलो, आप हैं रियांश, रियांश से ये तेलान बाबा की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। पाल्टी शुक्रिया, धन्यवाद। यह है खैर हमार बाप बने लायक। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, लेकिन चलते चलते कुछ कहता हूँ। अरे रास्ता माँ बोर वो करी मर गे, रास्ता माँ बोर वो करी मर गे। हरे राम, देखो यहाँ से दौड़ते हुए जाओ। हाँ, और जो हमने दूसरी रानी कर लाए हैं, हाँ क्यों नहीं, और उनको बुला कर लाओ, हमारे जयसिंह बेटा और बेटी को बुला कर जाओ लाओ। बहुत अच्छी बात है भैया, टेलीफोन का ही दे, टेलीफोन का ही दिन जाए ना। हाँ, और का जल्दी हो जाए, रुक जा मैं अपन लावत हो टेलीफोन। हाँ लाइक जल्दी से टेलीफोन भैया हो। हाँ, नंबर बताओ। अबे ये ना का 28 सिम लागा थे पहले, ये बताओ भैया हो। एमा तो एक ही सिम पड़ा थी। अच्छा, एक ही सिम। हाँ, आई मान लो एक ठाई फोन और है। हाँ, कहो वही का निकाल लाऊं, वही वाला ला, ओरिजिनल वाला, ये लोकल वाला ना लगावा कर, नेटवर्क नहीं काम कर दे भैया हो। आपकी फोन लाए हो बड़ा जोरदार, मोसड़ हो रहत रहे सऊदी बा। अच्छा, हो से पड़ी है भेजे नंबर एक का स्क्रीन टच मोबाइल। हाँ भैया, उमा की बटन जैसे उल्लू की आँखी। अच्छा, और उमा की स्क्रीन जैसे कुत्ता की जीभ। अच्छा, ये बता अब भैया। हाँ, उमा तीन सिम पड़ती है। अच्छा, तीन सिम है, कौन कौन सिम है? एक एयरटेल, एक BSNL, एक यूनि छिनार। कहे बे यूनि छिनार न होई, यूनिनार। हाँ भैया, यूनिनार आए। तो एक बात ये बता। हाँ, नेटवर्क तो बढ़िया पकड़त हो। हाँ हाँ भैया, नेटवर्क अरहरी से बात करो, चाहे दोपहरी से बात करो, चाहे रजाई के भीतर से बात करो, हन टावर पकड़ी। तो ऐसा चल, अच्छा मैं नंबर बतावा तो लगा, पहले एयरटेल वाला बता भैया। 54 56 93 93। धीरे धीरे जान दे। अबे यह कौन नंबर है? अबे सब अबे नए सिम निकले हैं। धीरे धीरे जान दे। टुक 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 टुक। जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं, कृपा एक घंटे बाद बात होगी। ए भैया, तो वो वाले में लगा, BSNL वाले में। BSNL वाले में। हाँ, बता नंबर। 9 00 00 54 56 46 46। छुआ के हटा ली। अबे यकौ नंबर आ, छुआ के हटा ली। अबे यार, ये सब नए नए सिम चले हैं आजकल, छुआ के हटा ली। जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं, टपा कब्रस्तान में घुसा है। ए भैया, एको नंबर नहीं लगा, अब यूनि छिनार वाला लगावा जाए। हाँ लगा लगा, वही यूनिनार वाला। 99 35 99 35 हादिस मोतीस टेप्पा भगा दिस। हाँ, यह घंटी जाती थी। यह चल बोल, तो उठावा नहीं आया बे, न कहो सहायता कहो। हेलो हेलो हेलो, रुक जा अबे, कहाँ हेलो कर रहा था, घंटी चीरे। अच्छा, अबे नहीं उठाना, न कहो सहायता कहो, बाथरूम में घुसे हों। हेलो 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 हेलो,
आप महारानी जी, महारानी जी आप बोल रही हैं? हाँ हाँ जी महारानी जी, क्या बात है? आपके पतिदेव आपको भरे राज दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप राजमहल से चलकर और राज दरबार के लिए बेटा जयसिंह और बेटी रंजना ये सभी तीनों परिवार सहित राज दरबार में आए हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। हाँ। खुश रहो। आइए महारानी जी, आइए। कहिए स्वामी। महारानी जी, क्या? अरे जब मैं आपको दरबार में या महल में कहीं भी देख लेता हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हेलो हेलो, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश से निवेदन है, कहना है, एक बार नहीं हमने कई बार अनाउंस कर चुका, आप लोग आकर, ये मैदान खाली है, आकर उचित स्थान लेकर बैठ जाइए, महान दया होगी। आपके पीछे माताएं बहनें भी देख रही हैं, आप लोग बैठ जाइए, बहुत ही आनंद आएगा। यदि अगर माताएं बहनों के लिए जगह वहाँ नहीं है तो आकर आप लोग इधर साइड में आकर बैठ जाइए, महान दया होगी। महारानी जी, जब मैं आपको देख लेता हूँ बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा, इसलिए कि मैंने तो खुश होता हूँ क्या कि मैं आज तुमको वही रानी देखता हूँ कि जैसे मेरी वो पहले वाली रानी थी, बिल्कुल उसी टू कॉपी, शक्ल सूरत तुम्हारा, स्वभाव तुम्हारा, सब कुछ मेरी रानी जैसा था। लेकिन आज क्या, आज मैं एक बात तुमसे ये कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहने ये जा रहा हूं कि क्या स्वामी, कि जिस तरीके मेरी वो रानी इस राजमहल की और हमारे परिवार खानदान हमारी इज्जत रखती थी, मुझ रखती थी, उसी तरीके तुम भी रखो। क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए कि तुम इज्जत रखोगी कि तुम्हारा जो वो इकलौता बेटा जयसिंह है। हाँ स्वामी, तुमको मालूम है कि वो मेरी बड़ी रानी का है, बड़ी रानी का लड़का है, और जो लड़की है वो तुम्हारी है। तो जिस तरीके तुम अपनी बच्ची को प्यार करती चाहोगी, प्यार मुस्काओगी, खाना दोगी, क्यों नहीं, उसी तरीके मेरे बच्चे जयसिंह को देना महारानी जी। क्यों नहीं स्वामी, मैं कभी इन बच्चों को एहसास नहीं होने दूंगी। हेलो हेलो, आप हैं श्रीमान ये अमरजीत भैया